Hello students, in the last video we have studied about the SSBSC modulation techniques. Okay, now in this video we will study the last topic of amplitude modulation, that is VSB, vestigial sideband modulation technique. Okay, so what is vestigial sideband modulation technique? What are the advantages of VSB? This all things we will study in this video. Okay, सो वेस्टिजियल साइड बैंड को स्टडी करने के लिए हमें फिर से SSBSC को स्टडी करना होगा. ठीक है, तो वेस्टिजियल साइड बैंड जो है वो बहुत सिमिलर है आपकी SSBSC के जैसे ही. जैसा हम लोगों ने लास्ट क्लास में SSBSC में स्टडी किया था फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड और यू कैन से फिल्टर मेथड ऑफ SSBSC जनरेशन. मैं उस मेथड को यहां पर फिर से कंसिडर कर रहा हूं. वो मेथड आपका क्या था, मैं डायग्राम वाइज कंसीडर कर रहा हूं उस मेथड को. सबसे पहले आप लोगों ने एमटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कंसीडर किया था एमएफ. ओके, और एमएफ को आपने कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया था माइनस एफएम टू प्लस एफएम. ओके, उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था, आप लोगों ने एक DSBSC सिग्नल जनरेट किया था. DSBSC सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म कुछ इस तरीके का था SF ऑफ DSBSC. ओके, आप लोगों ने यहां पर इस तरह से डायग्राम ड्रॉ किया था. ऑलरेडी आप लोग स्टडी कर चुके हो सारी चीजें, FC, FC प्लस FM, FC माइनस FM, सेम आपका नेगेटिव साइड था. ओके, नाउ आप लोगों ने इस DSBSC सिग्नल को बैंड पास फिल्टर से पास किया था फॉर द जनरेशन ऑफ एनी वन साइड बैंड. यहां पर हम लोग अपर साइड बैंड का एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं, तो हम लोग इस DSBSC सिग्नल को बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे फॉर द जनरेशन ऑफ अपर साइड बैंड. ओके, तो यहां पर हमें बैंड पास फिल्टर की जो रेंज है वो कंसीडर करनी होगी FC टू FC प्लस FM. ओके, जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं लास्ट क्लास में. ओके, सेम आपका नेगेटिव साइड भी हो जाएगा. क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका हो गया बैंड पास फिल्टर जिसे मैं HF से रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहां पर. नाउ जब आप लोगों ने अपने DSBSC सिग्नल को इस बैंड पास फिल्टर से पास किया था तो आपकी जनरेट हुई थी अपर साइड बैंड FC टू FC प्लस FM पॉजिटिव साइड. सिमिलरली नेगेटिव साइड में क्या जनरेट हो गई थी आपकी, माइनस FC टू माइनस FC माइनस FM. ओके, तो ये आपका जनरेट हुआ था SSBSC. ओके, क्लियर है पॉइंट? अपर साइड बैंड. नाउ यहां पर हम लोगों ने स्टडी किया था फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड की डिसएडवांटेज क्या है. उस मेथड की डिसएडवांटेज थी कि जब भी आपका बैंड पास फिल्टर आइडियल ना हो, ठीक है ना, यहां पर हमने बैंड पास फिल्टर को आइडियल लिया है, वो सिर्फ FC से FC प्लस FM तक की ही फ्रीक्वेंसीज को पास करता है. बट अगर आपका बैंड पास फिल्टर आइडियल ना हो, दैट इज अगर वो FC से कुछ नीचे की फ्रीक्वेंसीज को पास कर दे या FC प्लस FM से कुछ ऊपर की फ्रीक्वेंसीज को पास कर दे, तो हमने डायग्राम में ऑलरेडी देखा हुआ है लास्ट वीडियो में कि जब आपका बैंड पास फिल्टर FC प्लस FM से ऊपर की फ्रीक्वेंसी को पास करता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि DSBSC सिग्नल में FC प्लस FM के ऊपर कुछ भी सिग्नल आपका अवेलेबल नहीं है. ठीक है, बट अगर वो FC से नीचे की फ्रीक्वेंसी को पास कर दे तो आपकी अपर साइड बैंड के साथ साथ स्मॉल पोर्शन ऑफ लोअर साइड बैंड भी पास हो जाता है. क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर अगर मैं फिल्टर को नॉन आइडियल ले लूं, ठीक है, कुछ इस तरह से माय फिल्टर HF, ओके, बट दिस टाइम फिल्टर आपका क्या है, नॉन आइडियल है. ठीक है, तो नॉन आइडियल फिल्टर कुछ इस तरह से बनता है आपका. ओके, यहां पर ट्रांजिशन होते हैं फ्रॉम लो टू हाई. ओके, वो डायरेक्टली जैसे आपने आइडियल बनाया था, आइडियल में क्या था आपका, वो डायरेक्टली आपका लो टू हाई हो गया एक ही स्ट्रेट लाइन में, जबकि एक्चुअल में वो लो से धीरे 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 करके हाई होता है. ठीक है, और हाई से धीरे धीरे करके लो होता है. ये होता है आपका एक्चुअल फिल्टर. ठीक है, प्रैक्टिकल फिल्टर. नाउ अगर मैं सेम नेगेटिव साइड ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, और इसके लगभग सेंटर में आपका जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है, फर्स्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है FC अवेलेबल होगी, और यहां पर भी सेंटर में आपकी अवेलेबल होगी FC प्लस FM. ओके, तो इस तरह का आपका फिल्टर होता है एक्चुअल में. क्लियर है पॉइंट? तो इस फिल्टर में आप देखिए ध्यान से,
इस फिल्टर में जो ये है आपका, ये पोर्शन आपका कहलाता है स्टॉप बैंड, ओके, मींस जीरो से लेकर ये पोर्शन स्टॉप बैंड पॉजिटिव साइड में और जीरो से लेकर दिस पोर्शन स्टॉप बैंड इन नेगेटिव साइड। जो ये पोर्शन है आपका, ये वाला, दिस पोर्शन इज कॉल्ड पास बैंड, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन आपका होगा पास बैंड का, पॉजिटिव साइड भी और नेगेटिव साइड भी। नाउ जो ये पोर्शन है, ये वाला जहां से आपका ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम जीरो टू वन और वन टू जीरो, दिस पोर्शन, दिस ट्रांजिशन पोर्शन इज कॉल्ड ट्रांजिशन बैंड, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आपका क्या कहलाता है, ट्रांजिशन बैंड, ओके। तो पॉजिटिव साइड भी सेम होगा और आपका नेगेटिव साइड भी सेम होगा, ट्रांजिशन बैंड, ओके। तो जो आपका आइडियल फिल्टर होता है उसमें सिर्फ दो तरह के बैंड होते हैं, स्टॉप बैंड एंड पास बैंड, बट जो आपका प्रैक्टिकल फिल्टर होता है उसमें आपके थ्री टाइप्स के बैंड होते हैं, स्टॉप बैंड, पास बैंड एंड ट्रांजिशन बैंड, ओके, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। अब देखिए यहां पर, जब इस प्रैक्टिकल फिल्टर से आपका डीएसबी एससी सिग्नल पास होगा तो आप देख सकते हैं इसकी जो रेंज है वो एफसी से थोड़ा नीचे भी है, ये एफसी से थोड़ी लोअर फ्रिक्वेंसीज भी पास कर रहा है, आप फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक से ये देख सकते हैं, ठीक है ना। और आप ये भी देख सकते हैं जो एफसी से ऊपर की फ्रिक्वेंसी भी है, थोड़ी सी फ्रिक्वेंसी ये कंप्लीटली पास नहीं कर रहा है, मतलब एम्पलीट्यूड को कंप्लीटली पास नहीं कर रहा है, क्योंकि एफसी के बाद भी थोड़े समय तक इसका एम्पलीट्यूड जो है वो हाइएस्ट वैल्यू तक नहीं पहुंचा है, वो इस पॉइंट पर, इस फ्रीक्वेंसी पर वो हाईएस्ट वैल्यू तक पहुंच रहा है, कंप्लीटली वन तक पहुंच रहा है, क्लियर है पॉइंट। तो जो आपकी अपर साइड बैंड भी है उसका भी जो थोड़ा सा ऊपर का पोर्शन है आपका, वो बहुत ही अच्छा नहीं दिखाई देगा आपको, वो थोड़ा सा आपको कर्व्ड दिखाई देगा। आप देखिए, अगर जब आप इस फिल्टर से डीएसबी एससी सिग्नल को पास करेंगे तो कुछ आपका इस तरह से होगा, आपका अपर साइड बैंड कुछ इस तरह से होगा आपका कर्व्ड, ओके, और जो आपका लोअर साइड बैंड है उसका भी कुछ पोर्शन आपका यहां पे पास हो जाएगा, क्लियर है पॉइंट। सेम आपका नेगेटिव साइड भी हो जाएगा, आपका अपर साइड बैंड कुछ इस तरह से होगा और साथ ही साथ स्मॉल पोर्शन, स्मॉल पोर्शन आपका किसका पास हो जाएगा, लोअर साइड बैंड का। तो ये आपका जो सिग्नल जनरेट हुआ है, आइडियली होना क्या चाहिए था, एसएसबी एससी सिग्नल ऑफ अपर साइड बैंड, दैट मींस एफसी टू एफसी प्लस एफएम, मैं सिर्फ पॉजिटिव साइड यहां आपको शो कर रहा हूं, तो ये पास होना चाहिए था, ये सिग्नल जनरेट होना चाहिए था, लेकिन एफसी से नीचे की भी थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी आपकी पास हो गई है यहां पर, ठीक है ना, ये बहुत ही स्मॉल पोर्शन पास होता है लोअर साइड बैंड का, और इसे ही हम कहते हैं वेस्टिज। वेस्टिज की मीनिंग क्या होती है, स्मॉल पोर्शन। तो यहां पर वेस्टिज ऑफ लोअर साइड बैंड भी पास हो रही है, आपका टारगेट था अपर साइड बैंड को पास करना, लेकिन यहां पर लोअर साइड बैंड की वेस्टिज पास हो गई है, दैट्स व्हाई दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक इज कॉल्ड वेस्टिज साइड बैंड, वीएसबी, ठीक है ना। वेस्टिज ऑफ लोअर साइड बैंड क्रिएट होगी जब आप अपर साइड बैंड को क्रिएट करने जाएंगे, सिमिलरली अगर आप लोअर साइड बैंड को क्रिएट करने जाते तो वेस्टिज ऑफ अपर साइड बैंड क्रिएट हो जाती, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी रेंज है, वो बहुत ही स्मॉल वैल्यू है। तो यहां पर मैं उस रेंज को ले रहा हूं एफसी माइनस एफवी, वेयर एफवी इज द वेरी वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी। तो जो एफसी माइनस एफवी है और एफसी है, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत ही कम है, एफवी इज द वेरी वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसी। और ये क्यों आया, ये आपकी वेस्टिज क्यों जनरेट हुई, बिकॉज ऑफ द नॉन आइडियलिटी ऑफ द फिल्टर, ठीक है ना। आपका जो फिल्टर है वो नॉन आइडियल है, इसमें आपके ट्रांजिशन बैंड अवेलेबल है, दैट्स व्हाई आपकी इस तरह की वेस्टिज जनरेट होती है। तो बेसिकली हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है वीएसबी का स्पेक्ट्रम, दिस इज योर वीएसबी, क्लियर है पॉइंट। अगर आप लोगों को ये स्पेक्ट्रम बहुत अच्छे से समझ में आया है तो आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, आप लोगों को क्या करना है, जिस तरह से मैंने यहां पर अपर साइड बैंड जनरेशन के लिए फिल्टर कंसिडर किया था, देखिए हमने पहले आइडियल फिल्टर कंसिडर किया और फिर हमने नॉन आइडियल फिल्टर कंसिडर किया फॉर द अपर साइड बैंड जनरेशन, आप लोग लोअर साइड बैंड के लिए ट्राई करिएगा, ओके, क्लियर है पॉइंट। और अगर आप लोगों को कोई डिफिकल्टी हो क्रिएट करने में लोअर साइड बैंड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिएगा, ओके। नाउ यहां पर अगर मैं वीएसबी का जनरेशन देखूं ट्रांसमीटर साइड में, ओके, सो वीएसबी जनरेशन, ओके, ट्रांसमीटर साइड, तो ट्रांसमीटर साइड में क्या होगा, आप देखिए यहां पर
देखिए जनरेशन टेक्निक तो बिल्कुल सेम है जैसी एसएसबी एससी के फिल्टर मेथड की थी, बस यहां पर फिल्टर क्या होगा आपका नॉन आइडियल हो जाएगा। तो हम लोग यहां पर अगर ब्लॉक डायग्राम को ड्रॉ करने जाएं तो आप देखिए ब्लॉक डायग्राम में फर्स्ट क्या होता है मैसेज सिग्नल, देन क्या होता है आपका कैरियर एसी कॉस ओमेगा सीटी, ओके, और आप क्या यूज करते हैं बैलेंस मॉड्यूलेटर या मल्टीप्लायर, इसका आउटपुट क्या होता है आपका डीएसबी एससी, याद है अच्छे से। नाउ हम लोग क्या यूज करते हैं फिर एक बैंड पास फिल्टर, ओके, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं ले रहा हूं यहां पर एचएफ, ओके। नाउ हम लोग को जनरेट क्या करना होता है यहां पर एसएसबी एससी, पर आप देखेंगे कि आपने यहां फिल्टर जो है वो प्रैक्टिकल लिया है नॉन आइडियल लिया है, तो आपका जो आउटपुट होगा वो होगा आपका वीएसबी, ओके। आप शो कर सकते हैं एसएफ से या आप शो करते हैं एसटी से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टाइम डोमेन में भी शो कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में भी शो कर सकते हैं, क्लियर है पॉइंट। सेम यहां पर अगर मैं बैलेंस मॉड्यूलेटर के आउटपुट को जो कि डीएसबी एससी होगा मैं यहां पर एस वन एफ से शो कर देता हूं या आप एस वन टी से भी शो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लियर है पॉइंट। नाउ हमें पता है कि जो बैलेंस मॉड्यूलेटर होता है वो टाइम डोमेन में दो सिग्नल को क्या कर देता है मल्टीप्लाई, तो यहां पर जो आपका एस वन टी होगा बेसिकली एस वन टी क्या हो जाएगा आपका एसी एम टी कॉस ओमेगा सी टी, और यही हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है डीएसबी एससी का। ऐसे ही हम डीएसबी एससी जनरेट करते हैं, मैसेज और कैरियर आपके क्या हो जाते हैं मल्टीप्लाई हो जाते हैं, क्लियर है अच्छे से। नाउ एस वन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा एस वन एफ होगा, क्लियर है। नाउ अब आप ध्यान से देखिए यहां पर आपका एक और ब्लॉक है बैंड पास फिल्टर का जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आपकी एच एफ है, क्लियर है पॉइंट। नाउ अब अगर मैं यहां पर एस एफ निकालने जाऊं एस टी की जगह एस एफ निकालने जाऊं आउटपुट का सीधा फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालने जाऊं, तो हमें पता है कि किसी भी ब्लॉक का जो आउटपुट होता है टाइम डोमेन में वो क्या होता है इनपुट कॉन्वोल्यूशन विद सिस्टम, और फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो जाता है इनपुट का फोरियर ट्रांसफॉर्म इनटू सिस्टम का फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है ना, ये हम लोग को पता होना चाहिए। मैं रफ में आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं यहां पर कि अगर आपका कोई भी ब्लॉक है कोई भी सिस्टम है उसका अगर इनपुट जो है वो एक्स टी है और सिस्टम जो है अगर वो एच टी है और आउटपुट जो है अगर वो वाई टी है, तो जो वाई टी होता है वो होता है आपका एक्स टी कॉन्वॉल्व विथ एच टी, ओके। ये आपकी प्रॉपर्टी होती है एल टी आई सिस्टम की जो कि आप सिग्नल एंड सिस्टम में स्टडी करेंगे, और इसका अगर मैं दोनों साइड फोरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं तो वाई एफ कितना हो जाएगा आपका एक्स एफ इंटू एच एफ, दैट मीन्स अगर टाइम डोमेन में दो सिग्नल आपके कॉन्वोल्यूशन हो रहे हैं तो फ्रिक्वेंसी डोमेन में वो क्या हो जाएंगे ऑलवेज मल्टीप्लीकेशन, क्लियर है पॉइंट अच्छे से। तो यहां पर अगर मैं एस एफ निकालू तो देखिए ये आपका बैंड पास फिल्टर एक तरह का सिस्टम है, तो एस एफ क्या हो जाएगा आपका एस वन एफ इंटू एच एफ, ठीक है। तो यहां पर एस एफ हो जाएगा आपका एस वन एफ इंटू एच एफ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में मल्टीप्लीकेशन आपका हो गया। नाउ आपको पता है एस वन एफ क्या है, एस वन एफ है आपका एस वन टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म। ऑलरेडी हम लोगों ने पिछली क्लासेस में स्टडी कर रखा है कि एम टी इंटू कॉस ओमेगा सी टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। जब भी कोई सिग्नल कॉस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो वो सिग्नल एक बार प्लस एफ सी से शिफ्ट होता है, एक बार माइनस एफ सी से, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है आपका टू, ओके। ऑलरेडी मैं आपको कम्युनिकेशन सिस्टम की स्टडी के टाइम पर सिग्नल सिस्टम का फोरियर ट्रांसफॉर्म का एनालिसिस करवा चुका हूं प्रीवियस वीडियोज में, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ओके। तो यहां पर जो आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ए सी बाय टू एम एफ माइनस एफ सी प्लस एम एफ प्लस एफ सी, ओके, जहां पर आपका जो एम एफ है वो क्या है आपका एम एफ है एम टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, तो जो एम एफ है वो एफ सी से एक बार राइट शिफ्ट होगा एक बार लेफ्ट शिफ्ट होगा, दोनों आपके ऐड हो जाएंगे और डिवाइड बाय टू क्या हो जाएगा आपका एम्पलीट्यूड, ओके। सो ये आपका हो गया एस वन एफ इंटू क्या करना है आपको एच एफ, तो एच एफ क्या है आपका बैंड पास फिल्टर का कैरेक्टरिस्टिक्स है, बैंड पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन है। नाउ ये आपका जो एस एफ जनरेट हुआ है यही है आपका वी एस बी का फोरियर ट्रांसफॉर्म, यही है आपका वी एस बी सिग्नल, ठीक है। तो हम लोगों ने यहां पर वी एस बी सिग्नल को जनरेट कर लिया है, ठीक है ना। वी एस बी सिग्नल
जो डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पर, जो कि आपको पता है HF है, और आपको ये भी पता है बैंड पास फिल्टर आप लोगों ने नॉन आइडियल लिया है। क्लियर है पॉइंट? अब यहां पर अगर मैं रिसीवर साइड का डायग्राम देखूं, दैट इज अगर मैं डी मॉडुलेशन देखूं, तो हम लोगों को याद होना चाहिए कि SSB-SC में और DSB-SC में हम लोगों ने कोहरेंट डिटेक्शन का यूज किया था, तो सेम हम यहां पर भी कोहरेंट डिटेक्शन का ही यूज करेंगे। ओके, तो जो आपका इनपुट होगा वो क्या होगा, SF, और आप चाहे तो लिख सकते हैं ST। ओके, नाउ यहां पर आप फिर से एक बैलेंस डी मॉडुलेटर यूज करेंगे, ठीक है। उसका काम भी क्या होगा, दो सिग्नल को टाइम डोमेन में मल्टीप्लाई करना, ठीक है। और यहां पर आपको सेम कैरियर यूज करना है, AC cos ओमेगा CT, यही था आपका कोहरेंट डिटेक्शन। यू नीड टू यूज द सेम कैरियर एट द ट्रांसमीटर साइड एंड एट द रिसीवर साइड। ओके, नाउ अब आपको क्या करना है लास्ट में, अब आपको यूज करना है सिंपली लो पास फिल्टर और आपका आउटपुट आ जाएगा। क्लियर है? हम एक्सपेक्ट क्या करेंगे कि आउटपुट ऑफ द रिसीवर क्या होना चाहिए, वापस से आपका मैसेज सिग्नल होना चाहिए। क्लियर है पॉइंट? नाउ यहां पर अब अगर मैं इसे V1F नाम दे दूं बैलेंस डी मॉड्यूलेटर के आउटपुट को, तो यहां पर V1F आपका क्या हो जाएगा, V1F मींस आप फ्रीक्वेंसी डोमेन में काम करना चाह रहे हैं। टाइम डोमेन में तो बैलेंस डी मॉड्यूलेटर दोनों इनपुट को मल्टीप्लाई करता है, ठीक है, लॉजिक क्लियर है। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या करता है, उनकी फ्रीक्वेंसीज को एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड कर देता है। क्लियर है पॉइंट? जैसा कि हम लोग DSB-SC जनरेशन में स्टडी करते हैं, आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर में एक इनपुट होता है MT, एक इनपुट होता है AC cos ओमेगा CT। तो जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्म स्टडी करते हैं उसका, तो जो आपका MF होता है एक बार प्लस FC से शिफ्ट होता है और एक बार माइनस FC से शिफ्ट होता है, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है, डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर भी सेम काम होगा, SF में एक बार आप करेंगे प्लस FC, SF में एक बार आप करेंगे माइनस FC, और एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आप देखिए SF को, SF में जब आप एक बार प्लस FC करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप देखिए यहां पर ये कुछ इस तरह से बन जाएगा आपका AC स्क्वायर, क्योंकि AC आपका कैरियर में भी है और पहले से भी प्रेजेंट है। ओके, AC स्क्वायर बाय 4, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी AC बाय 2 प्रेजेंट था आपका। एक बार आपको क्या करना है, प्लस FC पूरे के पूरे MF माइनस FC प्लस MF प्लस FC में, ओके, और HF में भी। तो एक बार आप करने जा रहे हैं प्लस FC, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां पर ये आपका बन जाएगा MF। ओके, जब आप F माइनस FC में प्लस FC करेंगे तो क्या आएगा, MF, और यहां पर प्लस में क्या हो जाएगा आपका MF प्लस 2 FC। क्लियर है पॉइंट? अब आप यहां पर ध्यान से फिर से देखिए, जो HF है वो क्या हो जाएगा, आपने प्लस FC किया है ना, तो HF आपका हो जाएगा HF प्लस FC, ठीक है। नाउ प्लस, अब आपको क्या करना है, F माइनस FC, अब आपको माइनस FC करना है, ठीक है। तो यहां से फिर से आपका हो जाएगा AC स्क्वायर बाई 4, ओके, फिर से आपका MF आएगा और एक टर्म क्या हो जाएगा, MF माइनस 2 FC, ओके, और टर्म क्या हो जाएगा HF का, HF माइनस FC। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर आपको करना क्या था, देख लीजिए फिर से, इस पूरे के पूरे SF में आपको एक बार प्लस FC ऐड करना था, एक बार आपको माइनस FC ऐड करना था, और टोटल एम्पलीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 करना था, ठीक है। एम्पलीट्यूड आपका ऑलरेडी AC बाय 2 था, कैरियर से भी एक AC आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो AC स्क्वायर बाय 2 हो गया, आपको डिवाइडेड बाय 2 करना था, तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर बाय 4। क्लियर है अच्छे से, ठीक है। तो यहां पर आपका जनरेट हो गया, यहां पर आपका V1F। नाउ इस V1F को जब आप लो पास फिल्टर से पास करेंगे, तो आपको पता है कि जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज है वो रिजेक्ट हो जाएंगी, दैट मींस जो 2 FC वाले टर्म है वो क्या हो जाएंगे, आपके रिजेक्ट हो जाएंगे, पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, आपके MF वाले टर्म, ठीक है ना। तो जो आपका आउटपुट होगा वो कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, AC स्क्वायर बाई 4 MF, ओके, प्लस AC स्क्वायर बाई 4 MF, ओके। बट यहां पर एक प्रिकॉशन हमें ध्यान में रखनी है कि AC स्क्वायर बाई 4 MF के साथ एक बार आपका मल्टीप्लाई है HF प्लस FC और एक बार आपका मल्टीप्लाई है HF माइनस FC। क्लियर है पॉइंट? तो यहां पर
अगर आप ac स्क्वायर बाय 4 प्लस ac स्क्वायर बाय 4 mf को अगर यहां पर आप साइड में रखें तो आपको यहां समझना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई इसके साथ क्या है hf प्लस fc ओके और यहां पर क्या है hf माइनस fc क्लियर है पॉइंट तो आप देखिए अगर मैं यहां से ac स्क्वायर बाय 4 mf को कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में क्या बचेगा hf प्लस fc प्लस hf माइनस fc ओके आपका आइडियल आउटपुट क्या होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ ac स्क्वायर बाय 4 इनटू mf लेकिन आपको hf प्लस fc प्लस hf माइनस fc के टर्म्स भी मिल रहे हैं क्लियर है अच्छे से आप फिर से देखिए v1f को हमें लो पास फिल्टर से पास करना है तो ऑब्वियस सी बात है जो mf प्लस 2fc वाला टर्म है मतलब वो बहुत हाई फ्रीक्वेंसी वाला टर्म होगा क्योंकि जो mf है उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी fm है अब आप fm में 2fc ज्यादा या कम कर रहे माने बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है आपकी क्लियर है पॉइंट तो f प्लस 2fc और f माइनस 2fc वाले टर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे क्लियर है तो आपके सिर्फ और सिर्फ mf वाले टर्म पास होंगे लेकिन mf वाले टर्म के साथ आपका hf प्लस fc वाला टर्म भी है इसे आपको ध्यान रखना होगा और hf माइनस fc वाला भी टर्म है क्लियर है तो यहां पर आपको आइडियली चाहिए क्या था सिर्फ और सिर्फ mf चाहिए था ये दोनों टर्म आपको नहीं चाहिए थे तो यहां पर आउटपुट आपका आइडियल होगा ठीक है ना आइडियल आउटपुट क्या होगा आपका वो होगा सिर्फ और सिर्फ ac स्क्वायर बाय 4 इनटू mf ओके तो उस आइडियल आउटपुट की आपकी कंडीशन क्या होगी कि जो आपका hf प्लस fc है प्लस hf माइनस fc है उसकी वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए क्लियर है पॉइंट और ये आपका जो hf है वो है क्या वो बैंड पास फिल्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है आपकी तो ये hf प्लस fc और hf माइनस fc अगर 1 हो जाते हैं उनका एडिशन अगर 1 हो जाता है तो हमारा जो आउटपुट में मैसेज सिग्नल है हमें प्रॉपर्ली रिकवर हो जाएगा हमने जो VSB टेक्निक यूज की है वो हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी क्योंकि हमारा मेन एम क्या होता है किसी भी मॉड्यूलेशन टेक्निक को यूज करने का कि आउटपुट में आपको मैसेज सिग्नल अचीव हो जाए रिसीव हो जाए क्लियर है पॉइंट तो यहां पर अगर मैं HF को देखूं यहां पर ध्यान से तो जो आपका HF है नॉन आइडियल फिल्टर है वो कुछ इस तरह से है आप देखिए आपने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है ठीक है तो मैं क्या करता हूं HF को दोबारा ड्रॉ करता हूं नेक्स्ट स्लाइड में और उसके बाद HF माइनस FC और HF प्लस FC भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ठीक है तो ये आपका जो HF है वो कुछ इस तरह से है नॉन आइडियलिटी है फिल्टर में आपके लिए ठीक है ना पॉजिटिव साइड भी आप ड्रॉ कर दीजिए और नेगेटिव साइड भी ड्रॉ कर दीजिए ठीक है तो ये जो है आपका ये क्या है आपका FC एंड दिस पॉइंट इज FC प्लस FM ओके नाउ यहां पर ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका माइनस FC ओके और दिस पॉइंट आपका क्या हो जाएगा माइनस FC माइनस FM ओके तो ये है आपका HF क्लियर है पॉइंट अच्छे से यहां पर अब अगर मैं HF माइनस FC ड्रॉ करूं F माइनस FC का मतलब क्या होता है मींस आपका जो HF है वो FC से राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा दैट मींस आपको हर एक पॉइंट पे FC 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 ऐड कर देना है क्लियर है पॉइंट तो यहां पर समझिएगा ध्यान से हम लोग ऑलरेडी बहुत सारी स्टडी कर चुके हैं फिल्टर से पास वर्क करने वाली ओके आपको यह पता है कि जो आउटपुट आएगा रिसीवर के साइड में जो आउटपुट है आपका आप देख लीजिए ब्लॉक डायग्राम में वो लो पास फिल्टर से पास होगा तो हायर टर्म तो वैसे ही पास नहीं होने हैं सिर्फ वो टर्म पास होंगे जो कि मैसेज फ्रीक्वेंसी को अफेक्ट करेंगे ठीक है ना या जो बेस बैंड फ्रीक्वेंसी वाले टर्म होंगे सिर्फ वो पास होंगे लो फ्रीक्वेंसी वाले टर्म पास होंगे ठीक है तो यहां पर ध्यान से देखिए जब आप FC को ऐड करेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा 2FC plus FM और ये टर्म क्या हो जाएगा 2FC तो 2FC या 2FC plus FM बहुत ह्यूज फ्रीक्वेंसी है ये कभी भी पास नहीं होगी लो पास फिल्टर से तो आपको इसे कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं है ठीक है यहां पर देखिए आप ध्यान से अगर मैं यहां पर प्लस FC ऐड करूं तो ये क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 0 देखिए माइनस FC प्लस FC क्या होगा 0 ठीक है और ये डायग्राम आपका क्या हो जाएगा माइनस FM हो जाएगा ठीक है तो अगर मैं इस लाइन को देखूं यहां पर आपका जहां पर माइनस FC है वो पार्ट आपका 0 हो जाएगा मींस ये लाइन आपकी 0 से पास होनी चाहिए क्लियर है अच्छे से
ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम हो जाएगा आपका, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया, लॉजिक क्लियर है, ओके। नाउ ये पार्ट आपका क्या हो जाएगा, माइनस एफएम हो जाएगा, ठीक है, और ये सेंटर में आ गया आपका, जो ये लाइन थी आपकी, ठीक है। नाउ यहां पर अगर मैं एच एफ प्लस एफ सी ड्रॉ करूं, तो जो आपकी एच एफ प्लस एफ सी होती है वो कैसे ड्रॉ करेंगे आप, आप अपने एच एफ वाले डायग्राम में हर एक फ्रीक्वेंसी में माइनस एफ सी कर देंगे, ठीक है। तो आप देखिए, जब आप यहां पर माइनस एफ सी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू एफ सी, और ये भी माइनस टू एफ सी माइनस एफ एम हो जाएगा। तो ये तो बहुत ह्यूज फ्रीक्वेंसी है नेगेटिव साइड, ये तो आपकी लो पास फिल्टर से पास नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जब आप इस पॉइंट पे एफ सी पे जब माइनस एफ सी पुट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो, और यहां पर जब आप पुट करेंगे एफ सी प्लस एफ एम में माइनस एफ सी करेंगे तो क्या बचेगा आपका, सिर्फ और सिर्फ एफ एम बचेगा, क्लियर है पॉइंट। तो जो आपका डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आप देख सकते हैं, देख लीजिए यहां पर, ये आपका जो लाइन है ये वाली, ठीक है ना, वो आपकी सेंटर में आ जाएगी, ठीक है, वाई एक्सिस से पास होगी, क्लियर है। तो डायग्राम आपका कुछ इस तरह से आपको दिखाई देने लगेगा, लाइक दिस, ओके। तो ये आपका ड्रॉ हो गया, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या होगा, यहां पर हो जाएगा एफ एम, ठीक है। तो ये आपका ड्रॉ हो गया है एच एफ माइनस एफ सी और एच एफ प्लस एफ सी, क्लियर है अच्छे से। तो आप देख सकते हैं यहां पर, अब अच्छे से आप कंसिडर करिए कि जो एच एफ माइनस एफ सी है और एच एफ प्लस एफ सी है, अगर आप दोनों को ऐड करते हैं तो अगर आप ओरिजिन पर देखें, अगर आप इमेजिनरी एक्सिस पर देखें, अगर आप वाई एक्सिस पर देखें, तो एच एफ माइनस एफ सी पर आपकी एक डिक्रीजिंग स्लोप है और एच एफ प्लस एफ सी पर आपकी इंक्रीजिंग स्लोप है, दोनों ही स्लोप बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ठीक है ना। जितनी ये आपकी डिक्रीज हो रही है, सेम ये आपकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो अगर आप एच एफ माइनस एफ सी और एच एफ प्लस एफ सी को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखिए यहां पर, एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी, ये डायग्राम आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा। ये जो आपकी स्लोप वाली है, ये डिक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है, सेम जितनी डिक्रीजिंग स्लोप है उतनी ही आपकी इंक्रीजिंग स्लोप है, ठीक है ना। जैसे कि ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पर आपका मैक्सिमम है, ओके, और इसी पॉइंट पर यहां पर आपका क्या है, जीरो है। तो जीरो प्लस मैक्सिमम मींस जीरो प्लस वन, आपका आंसर क्या होगा, वन। और जैसे जैसे ये आपकी एच एफ प्लस एफ सी वाली स्लोप इंक्रीज हो रही है, वैसे ही वैसे आपकी एच एफ माइनस एफ सी वाली स्लोप क्या हो रही है, आपकी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो दोनों को एड करेंगे तो आपका जो एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, वन होगा, ओके। यहां पर आप देखिए, यहां पर आपका एम्पलीट्यूड कितना है, आपका जीरो है एच एफ माइनस एफ सी में, आप देख सकते हैं। और यहां पर देखिए, सेम एच एफ प्लस एफ सी में सेम पोजीशन पर आपका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, वन है। तो वन प्लस जीरो फिर से क्या हो जाएगा, आपका वन हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पोर्शन तक जो बेस बैंड पोर्शन है आपका, जो लो फ्रिक्वेंसी पोर्शन है, उसमें ये जो आपकी स्लोप है वो बेसिकली जीरो है। और आप कह सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है वो आपका क्या है, कॉन्स्टेंट है, वन है। जब भी एम्पलीट्यूड आपका कांस्टेंट होता है, स्लोप क्या होती है, जीरो होती है। बट नो डाउट, हमें सिर्फ यहां पर एम्पलीट्यूड को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड जो है आपका क्या है, वो मैक्सिमम पोर्शन तक आपका वन है, ओके। इस स्लोप के एडिशन के बाद हमें एम्पलीट्यूड लगभग काफी देर तक वन ही मिलेगा। उसके बाद आप देख सकते हैं एच एफ माइनस एफ सी में यह आपकी डिक्रीजिंग स्लोप है और एच एफ प्लस एफ सी में आपकी इंक्रीजिंग स्लोप है। तो कुछ इस तरह से डायग्राम आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम जो पोर्शन है आपका, जो आपका कह सकते हैं बेस बैंड पोर्शन है या जो आपका लो फ्रिक्वेंसी पोर्शन है, उस पे जो आपको एम्पलीट्यूड है वो आपको कांस्टेंट मिल रहा है, एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी क्या मिल रहा है आपको, वन मिल रहा है। और एक्चुअल में आप लोगों ने या हमने या मैंने शुरू से इस पॉइंट को क्लियर ही नहीं किया कि ये वन क्यों मिला हमें, ठीक है ना, ये वन हमें मिला क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये तो हमें चाहिए था ना। आप देखिए, हमें लो फ्रिक्वेंसी पर, हमें एमएफ वाली फ्रिक्वेंसी पर एच एफ प्लस एफ सी प्लस एच एफ माइनस एफ सी वन चाहिए था, पर ये मिला क्यों, ये मिल कैसे गया हमें। डायरेक्टली हमने जब एच एफ माइनस एफ सी और एच एफ प्लस एफ सी को ऐड किया तो हमें लो फ्रिक्वेंसी पर वन कॉन्स्टेंट एम्पलीट्यूड क्यों मिला।
अब ध्यान से समझिए इस एचएफ को। देखिए इस एचएफ में मैंने शुरू से ही आपको यह बात बोल दी कि एफसी जो है वो सेंटर में होगा ट्रांजिशन बैंड के, ठीक है ना। अगर आपका एफसी सेंटर पे नहीं होता तो क्या ये जो इंक्रीजिंग स्लोप और डिक्रीजिंग स्लोप है वो क्या बिल्कुल सिमेट्रिकल होती आपकी? क्या जैसे जैसे एक स्लोप आपकी डिक्रीज होती वैसे वैसे दूसरी स्लोप इंक्रीज होती? नहीं हो पाती, क्योंकि आप लोगों ने एच एफ माइनस एफ सी जनरेट करने के लिए इस पॉइंट पे एफ सी एड किया था, जिसके कारण ये लाइन बिल्कुल आपकी सिमेट्रिकल थी, ठीक है ना। जितनी आपकी लेफ्ट हैंड साइड में थी उतनी आपकी राइट हैंड साइड में थी, बिल्कुल इक्वल हाफ में डिवाइडेड थी आपकी, बिल्कुल सिमेट्रिकल थी आपकी। लॉजिक क्लियर है? सेम आपकी एच एफ प्लस एफ सी में भी बिल्कुल सिमेट्रिकल थी, सेंटर पे था पॉइंट जो है ये, ठीक है ना। ये जो जीरो आ रहा था इस लाइन के सेंटर पे आ रहा था, सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें। सेम यहां पर भी ये जो जीरो आ रहा था इस लाइन के सेंटर पे था, ठीक है ना, क्योंकि आपने एफ सी को सेंटर पे माना था। लॉजिक क्लियर है? इसी कारण इन दोनों का एडिशन कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है ना। सेम आपकी एक इंक्रीजिंग थी और सेम आपकी एक डिक्रीजिंग थी, तो आपका दोनों का एडिशन आपको वन मिल गया, कॉन्स्टेंट मिल गया। लेकिन अगर आपका एफ सी सेंटर में नहीं होता तो ये कभी नहीं हो पाता। लॉजिक क्लियर है? तो यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपकी कंडीशन है इस टारगेट को अचीव करने के लिए कि एच एफ माइनस एफ सी प्लस एच एफ प्लस एफ सी जो है वो कॉन्स्टेंट होना चाहिए, वो वन होना चाहिए, वो क्या है? एफ सी शुड बी, ठीक है ना, जो आपका एफ सी है शुड बी इन द सेंटर ऑफ ट्रांजिशन बैंड। ओके, सेंटर में होना चाहिए ट्रांजिशन बैंड के। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, एफ सी शुड बी इन द सेंटर ऑफ ट्रांजिशन बैंड, अगर आपको वीएसबी के आउटपुट में प्रॉपर मैसेज सिग्नल चाहिए तो, अदरवाइज आपको प्रॉपर मैसेज सिग्नल रिसीव नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका होता है वीएसबी मॉड्यूलेशन टेक्निक। आई नो दैट जो हम लोगों ने प्रीवियस मॉड्यूलेशन टेक्निक पढ़ी है उनके रेस्पेक्ट में थोड़ा टफ है ये, क्लियर है। आप लोग इस वीडियो से गो थ्रू होइए, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करिए, मैं दोबारा क्लियर करूंगा। ओके, बट यहां पर अगर मैं हाईलाइट वापस से दूं आपको, अगर मैं आपको क्विक रिकैप दूं, तो हम लोगों ने बेसिकली एसएसबी एससी सिग्नल से स्टार्ट किया था। एसएसबी एससी सिग्नल में हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्क्रिमिनेशन मेथड या फिल्टर मेथड स्टडी किया था। ओके, तो उस फिल्टर मेथड में अगर हम लोग आइडियल फिल्टर लेते हैं तो प्रॉपर हमारी अपर साइड बैंड या लोअर साइड बैंड जनरेट होती है, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकल फिल्टर लेते हैं तो वेस्टीज ऑफ अदर साइड बैंड भी जनरेट हो जाती है। सपोज करिए अगर मैं अपर साइड बैंड जनरेट करना चाहता हूं तो वेस्टीज ऑफ लोअर साइड बैंड भी जनरेट हो जाएगी, अगर मैं लोअर साइड बैंड जनरेट करना चाहता हूं तो वेस्टीज या स्मॉल पोर्शन ऑफ अपर साइड बैंड भी जनरेट हो जाएगी आपकी। क्लियर है पॉइंट? तो ये हम लोगों ने पहले वीएसबी सिग्नल को जनरेट किया वाया यूजिंग नॉन आइडियल फिल्टर। ओके, उसके बाद हम लोगों ने ट्रांसमीटर और रिसीवर के पार्ट्स कंसीडर किए हैं, ठीक है। उसमें बेसिकली आपका फोरियर ट्रांसफॉर्म का बहुत ज्यादा यूज हुआ है, अगर आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म में भी कोई डाउट हो रहा है तो आप मेरी जो वीडियो है फोरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। या आप सिग्नल सिस्टम की वीडियो भी कंसीडर कर सकते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए, ठीक है। बेसिकली अगर मैं आपको क्विक रीजन दूं फोरियर ट्रांसफॉर्म का भी, तो बैलेंस मॉड्यूलेटर में अगर दो सिग्नल अप्लाइड हैं, ठीक है, जिसमें से अगर एक कैरियर है, ठीक है, तो जो दूसरा सिग्नल है उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक बार आप प्लस एफ सी कर दीजिए, फिर आप एक बार माइनस एफ सी कर दीजिए और डिवाइडेड बाय टू कर दीजिए, एम्पलीट्यूड शुड बी डिवाइडेड बाय टू। क्लियर है? तो ये आपका कंप्लीट होता है वी एस बी, ठीक है। गुड बाय।